हेलो सैटे क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आप लोग के लिए सुपर जब नोटिफिकेशन लेके आ चुका हूँ, जिसमें मैं बता दूँ यह प्योरली परमानेंट एंड सरकारी नौकरी है दोस्तों, जिसमें तीन तरह के पोस्ट निकाले गए हैं। जैसे कि मैं पहला बता दूँ तो प्रिंटिंग कंट्रोल, सेकेंड है आपका इंजीनियरिंग और थर्ड है रिसोर्सेज मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, यह परमानेंट और सरकारी नौकरी है आपके लिए, जिसमें पोस्ट मैं बता दूँ तो जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग कंट्रोल के लिए 68 पोस्ट है, जूनियर टेक्नीशियन फिटर के लिए 6 पोस्ट रखा गया है, टेक्नीशियन टर्नर के लिए 1 पोस्ट रखा गया है, जूनियर टेक्नीशियन 1 पोस्ट रखा गया है, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए 3 पोस्ट रखा गया है, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 3 पोस्ट रखा गया है, रिसोर्सेस मैनेजमेंट में फायरमैन के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। टोटल पोस्ट मैं बता दूं तो 83 होने वाला है आपके लिए। सैलरी में बता दूं तो 18,780 से लेके 67,390 इसमें आपको मिलेगा, यानी कि आपको टेक्नीशियन 30-35 इसमें बन जाएगा पूरा अलाउंसेस मिला के, क्योंकि गवर्नमेंटेड संस्था की तरफ से ही है तो इसमें अलाउंसेस वगैरह मिला के 30 से 35 हज़ार HRA TA DA सब कुछ मिला के आपका आराम से इसमें बन जाना है। तो आप लोग जो लोग एलिजिबल हैं ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, बेस्ट रिक्रूटमेंट है, बहुत ही अच्छी और प्रतिष्ठित कंपनी तरफ से यह रिक्रूटमेंट निकला है, जिसमें बता दूँ आपका रिक्रूटमेंट तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस यूनिट ऑफ सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से है, होली ओन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से यह है रिक्रूटमेंट निकाला गया है, जिसमें यह एडवर्टाइजमेंट मैंने आपका ऑलरेडी पोस्ट दिखा दिया है। तो आप लोग जो लोग एलिजिबल है ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद TSC इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट फिलअप फॉलोइंग वैकेंट पोस्ट W1 लेवल हैविंग ऑल इंडियन ट्रांसफर पोस्टिंग लाइबिलिटी। तो इसमें एक अच्छी बात दे रखा है कि आप पूरे इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग के लिए भी एलिजिबल हैं, पोस्टिंग आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। या फैकल्टी इसमें दिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बात करूँ तो जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोलर एंड प्रिंटिंग में पहला है कि फुल सर्टिफिकेट आपका फुल टाइम होना चाहिए, ITI रिकॉग्नाइज्ड NCVT SCVT से होना चाहिए प्रिंटिंग में, तो आप इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। अदर भी देख रखा है कि फुल टाइम डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम द गवर्नमेंट या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक से है, तो आप इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करूँ तो 18 से 25 वाले भर सकते हैं इसमें फॉर्म, 2/7/1997 से 1/7/2004 के बीच में जो लोग जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो लोग इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में देख रखा है कि देख सकते हैं आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पहला है। जूनियर टेक्नीशियन के लिए एलिजिबिलिटी में बता दूं तो जूनियर टेक्नीशियन में फिटर के लिए निकाला गया है, जो कि फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट एनी रिकॉग्नाइज आप यूनिवर्सिटी NCVT SCVT से फिटर ट्रेड में अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, केवल फ्रेशर आप NCVT या SCVT से पास आउट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज आपका 18 से 25 के बीच में होना चाहिए, जिसमें आप 2/7/1997 से लेकर 1/7/2004 के बीच में अगर आपका जन्म है तो आप इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसी तरह थर्ड है टर्नर के लिए, जो कि फुल टाइम इसमें भी ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, NCVT SCVT से पास आउट है तो आप एलिजिबल हैं। 18 से 25 इसमें भी एज रखा गया है। उसके बाद से नेक्स्ट मैं बता दूं तो जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर के लिए भी है, ITI पास आउट है NCVT SCVT से, तो आप एलिजिबल हैं। 18 से 25 इसमें भी एज रखा गया है। एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के लेटेस्ट एंड सुपर जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए, बेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो पाने के लिए, कैंपस प्लेसमेंट का नोटिफिकेशन पाने के लिए एकमात्र चैनल सैलेस ITI क्लासेस है, जो कि आपके लिए बेस्ट वीडियो लेके आता है, यूजफुल वीडियो लेके आता है। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। 6 में बता दूँ तो 6 आप देख सकते हैं जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, ये भी फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट NCVT SCVT से पास है इस ट्रेड में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 एज रखा गया है, इसमें भी 2/7/1997 से 1/7/2004 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रिसोर्सेज मैनेजमेंट में बता दूँ तो फायरमैन W Level 1 इसमें कि आप 10th वाले भी आप एलिजिबल रहने वाले हैं, देख सकते हैं 10th, उसके बाद से सर्टिफिकेट इन फायरमैन ट्रेनिंग है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम हाइट रखा दे रखा है 5 फुट 5 इंच इसमें होना चाहिए, 1.65 सेंटीमीटर, तो आप इसमें भाग ले सकते हैं। तो ये था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट मैंने बता दूँ तो इसका PDF लिंक भी नोटिफिकेशन का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अप्लाई लिंक भी आपको मिल जाएगा। फ़ोन से अप्लाई करने के लिए भी मैं इस वीडियो में दिखा दे रहा हूँ, वीडियो के लास्ट तक बने रहें कि कैसे आपको ओपन करके इसमें अप्लाई करना है। फ़ोन से बिल्कुल ईजिली आप घर बैठे इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा।
एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया, उसके बाद से इम्पोर्टेंट डेट बता दूँ तो 1/10/2022 से लेकर 31/10/2022 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म यह ऑनलाइन मोड में इस फॉर्म को फिलअप किया जाएगा, ऑफलाइन इसमें किसी तरह का कोई पेपर भेजने की ज़रूरत नहीं है। जो एज रिलेशन की बात है तो SC ST के लिए जो छूट मिलता है, OBC के लिए इसमें भी मिलने वाला है, बिकॉज ये गवर्नमेंटेड है प्योरली, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद से एग्ज़ाम फीस मैं बता दूँ तो 600 रुपया आपका लगने वाला है। अनरिजर्व EWS OBC कैंडिडेट और SC ST कैंडिडेट के लिए PWD के लिए 200 इसमें दे रखा है। तो आप लोग इसको देख के और एग्जाम पैटर्न जो कि आपका टेस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर मैं बता दूँ इसी वीडियो में, तो सिलेक्शन प्रोसीजर दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छा खासा रखा गया है। देख सकते हैं कि इसमें 3 जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज, 2 तरह का पेपर होगा। फर्स्ट पेपर आपका इसमें 60 मिनट के लिए रखा गया है, जिसमें कि नॉन टेक्निकल होगा। पार्ट बी में आपका टेक्निकल रहेगा, यानी कि आपके ट्रेड से टोटल इसमें क्वेश्चन रहेगा 120, मैक्सिमम मार्क्स 150 रहने वाला है, और 120 मिनट का यह पेपर आपका CVT में होगा। कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं है, सबसे अच्छी बात इसमें रहेगा। तो आप लोग ज़रूर एलिजिबल हैं तो अप्लाई कीजिएगा। इसका अप्लाई करने के लिए मैं ओपन करके दिखा दूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं। तो जैसे ही दोस्तों वीडियो के लिंक में जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे लिंक के जैसे क्लिक करेंगे तो लिंक के आपके सामने यह ओपन होगा। इसी तरह का पेज आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। नीचे जैसे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ दे रखा है कि पब्लिश्ड ऑन 1 अक्टूबर, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, लास्ट डेट 31 दिया है, व्यू डिटेल्स दिया है। तो आप यहाँ नोटिफिकेशन देख सकते हैं और अप्लाई पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जैसे अप्लाई पर क्लिक कर सकते हैं तो आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ डेट दे रखा है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्टर। जो लोग अभी तक अप्लाई नहीं किया है या रजिस्टर्ड नहीं किया है वो क्लिक हियर पे करेंगे, और जो लोग रजिस्टर्ड कर लिए हैं वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जैसे क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपका फॉर्म मांगा जाएगा। डिटेल्स इसमें फर्स्ट नेम, उसके बाद से आपका पूरा डिटेल्स लेने के बाद मोबाइल नंबर वगैरह लेने के बाद आपसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और लॉग इन करके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।